अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ जो ऑफिस में उसके बाद सब इतने खुश। वो मैं देखती हूँ। नहीं नहीं मॉम, एक सेकंड, नहीं। जी आप कौन? दालचीनी। हाँ दालचीनी, दालचीनी। एक सेकंड, एक सेकंड। ऐसे कैसे अंदर घुसे आ रहे हो तुम घर के? शराब पी कर आए हो? शराब के नशे में तुम मेरी बीवी का नाम क्यों ले रहे हो, वो भी इतनी रात को? कौन हो तुम? मुझे दालचीनी से मिलना है। कौन है ये आदमी? शराब पीकर छी, इतनी गंदी बदबू आ रही है, निकाल इसको। चलो चलो निकलो। अरे चलो बाहर जाइए आप। अरे एक मिनट यार। आपको समझ नहीं आ रहा भैया, ये डब्बा देने आया हूं मैं। हिम्मत कैसे भी मुझे हाथ लगाने की? एक तो शराब पी के किसी के घर में घुसता आधी रात को, ऊपर से धक्के मार रहा है। चल निकल यहां से वरना हवालात की हवा खाएगा, समझा? चल। दालचीनी, सॉरी, ये डिब्बा देने आया था। डिब्बा? ये डिब्बा मैंने तो नहीं दिया। और इस हालत में सहेल सर क्यों घर आए हैं? लड्डू बहुत अच्छे बनाए लड्डू। ये लड्डू आके ना मेरा तो दिन बन गया। नहीं रात बन गई, बहुत टेस्टी थे दालचीनी। साहिल सर को मैंने कोई लड्डू नहीं दिया, ये क्या बोल रहे हैं? ये मैं क्या सुन रही हूँ दालचीनी? तो किसी पराए मर्द के लिए अपने हाथों से लड्डू बना कर ले जा रही? ऐसे शराबी के लिए हमारे घर से टिफिन बन के जा रहा है? क्यों? दालचीनी मॉम कुछ पूछ रही है तुमसे, जवाब दो। तुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे। कौन लगता है तेरा ये जो इतनी देर रात इस तरह के शराबी आदमी से तू मिलने गई थी? तेज सर जी, ये साहिल सर है, मेरी टीचर। टीचर? एक सेकेंड, तूने पढ़ना लिखना कब शुरू किया? चल मुझे नहीं पता, लेकिन तेज तक को नहीं पता कि तूने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और एक बात बता, पूरी दुनिया में तुझे ऐसा टीचर मिला जो शराब पीकर अपनी स्टूडेंट से मिलने आता है? तेज सर जी, साहिल सर ऐसे नहीं है। ये तो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिन बच्चों को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता ना, उन्हें मुफ्त में रात की पाठशाला में पढ़ाते हैं। तुझे होश भी है तो क्या बोल रही है? ढिल्लो परिवार की बहू नाइट स्कूल में जाकर रात के अंधेरे में किसी शराबी पराए मर्द के साथ पूरी रात पूरी पढ़ाई करती है। पढ़ाई करती है। दालचीनी तू इतनी भी भोली नहीं है कि तुझे ये नहीं पता कि रात के अंधेरे में ऐसे आदमियों को जवान लड़कियों से क्या चाहिए होता है? इस आदमी से कब मिली तू पहली बार? हाँ एक मिनट, एक मिनट। अच्छा तो उस दिन माताजी की चुनरी में जो आग लगी थी क्योंकि मैडम को इतनी नींद आ रही थी, तो उसका मतलब कि मैडम पूरी रात इस अनजान आदमी के साथ थी। शर्म आ रही है मुझे, ढिल्लो परिवार की बहू रात के अंधेरे में एक अनजान मर्द के साथ वो चुप चुप कर मिलने जाएगी, मिलने जाएगी, मिलने जाएगी।
एक बार तूने नहीं सोचा कि अगर किसी ने देख लिया तो ढिल्लों परिवार की इज्जत का क्या होगा? दालचीनी, क्या तुम परसों रात को इस आदमी के साथ थी? सर जी, मैं मंदिर गई हुई थी तो बस वहां पर। क्या तुम इस आदमी से मिली थी? हाँ। सारी गलती मेरी है। रात के अंधेरे में खेत में जो लड़की मेरे बेटे के साथ मिली थी, उसी लड़की के साथ मैंने अपने बच्चे की शादी कराकर मैंने अपनी औलाद की खुशियों को खुद अपने हाथों से जला दिया। नहीं माँ, मैं नहीं थी रात भर उनके साथ। तीर्थ जी, उस रात मैं माता रानी के मंदिर गई थी जिसके पीछे इनकी पाठशाला है जहाँ ये पढ़ाते हैं बच्चों को। और ये बुरे इंसान नहीं है, इन्होंने तो मेरा हौसला बढ़ाया था पढ़ने के लिए। पर मैं इनकी क्लास में रुकी नहीं थी, मैंने इनकी क्लास का बस वीडियो बनाया था और उस वीडियो को मैं घर में देखकर रात भर याद करती रही। मैं नहीं थी रात भर इनके साथ। ये सच कह रही है। मैंने उसको बोला था रुकने के लिए, इसने मना कर दिया था। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इसको पढ़ने के लिए भेजा करो, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। वो जो बनना चाहती मैं बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। भेजा करो उसको प्लीज। भाई सचिनी, चुप, चल निकल यहाँ से। मेरी बात सुनो, निकल यहाँ से। कोशिश बेकार है हमको बचाने का। है कि हम जो गुनाह किए उसका सजा हम अपने आप को दिला के रहेंगे। अरे कोई गुनाह नहीं किया तुमने। राजीव, अंसनी की लाश मिल गई है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। एक बार मुझसे कहा होता है कि माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं रात भर जग कर तुझे पढ़ाती। लेकिन दाचीनी, तू उस आदमी के साथ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे बच्चे, हाथ जोड़ती हूँ। हमें जितना बर्बाद करना था तू कर चुकी है। मेरा बेटा ये नहीं डिजर्व करता। तुझे रसोई चाहिए थी ना, तू रसोई ले ले। घर का सारा काम मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन हमें बख्श दे बेटा प्लीज। हम हमारी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं बचाए। माँ आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर जी, मैं कह रही हूँ ना कि साहिल सर ऐसे। एक और शब्द नहीं, नॉट अ वर्ड दालचीनी। क्या आज तक मैंने तुम्हें कभी इस घर में कोई अधिकार नहीं दिया है? क्या आज तक मैंने तुम्हें कभी कोई इज्जत नहीं दी है? क्या आज तक मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया है दालचीनी? ऐसे नहीं है सर जी। तो फिर तुम क्यों मेरे प्यार का इतना फायदा उठा रही हो? आज जो भी हुआ ना दालचीनी, उन सबको ध्यान में रखते हुए आज के बाद तुम रात को घर से बाहर नहीं निकलोगी। कोई नाइट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सर जी, मैं तो पढ़ लिख कर आपके लायक बनना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती। कोई जरूरत नहीं है।
मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से इस परिवार की इज्जत पर इतनी सी भी आंच और आए, समझी? किसी को नहीं चाहिए तुम्हारी मदद की जरूरत। मदद करना चाहती ट्यूशन पढ़ने जा रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो मेरा काम करते अपने सर जी को ना ये डब्बा देना, उनसे कहना कि ये दालचीनी दीदी ने दिया है, उनसे कहना कि जब ये लड्डू खा लेना तो खाली डब्बा दालचीनी दीदी के घर लौटाने के लिए आए, ठीक है? भूलना नहीं बेटा, जा मेरा बच्चा। ओए, ओ हीरो, इतनी लेट? सर जी, दालचीनी दीदी ने भेजा आपके लिए और कहा है कि रात को डिब्बा वापस देने के लिए उनके घर चले जाना। शराब में डूबे ये लड्डू जब ये सड़क छाप टीचर खाएगा तो तमाशे का रंग कुछ और ही होगा। किताबी पढ़ाई लिखाई से क्या होता है दालजी? असली सबक तो ये है कि राजरानी के रास्ते का कांटा बनने की कोशिश कभी मत करना। मैंने तो साहिल सर को कोई लड्डू नहीं भेजे, फिर साहिल सर ने ऐसे क्यों कहा कि मैंने उन्हें लड्डू भेजे? लड्डुओं में से तो शराब की बू आ रही है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। लड्डू में शराब मैंने मिलाई थी ताकि तेज सर के सामने तेरी इज्जत के बरखत छिन जाए। मैं तुझे तेज की जिंदगी से उखाड़ फेंकूंगी। क्योंकि इस घर में सिर्फ एक औरत का राज हो सकता है और वो है राज रानी तेजसर जी को बता भी दिया कि लड्डू में शराब मिलाया है किसी ने, तो क्या पता मानेंगे भी या नहीं। लग तो बहुत गुस्से में रहे। अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात ही नहीं करनी है तो बैठी क्यों? मुझे आपको कुछ दिखाना है, जरा उठ कर बैठेंगे? Thank you.
मुझे पता है हर बार की तरह तुम्हारे पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा, पर तुम एक बात बताओ, तुम हर बार गलत कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें पढ़ना था तो तुम्हें वही एक शराबी आदमी मिला था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अरे तुम कब समझोगी लोगों को समझना, इंसान को परखना, कौन इंसान कैसा ये जानना कब सीखोगी तुम? मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, अगर आपकी जगह कोई भी होता तो और ये तमाशा देखता तो गुस्सा आता उन्हें, पर एक बार मेरे लिए ये वीडियो देख लेंगे, प्लीज देख लीजिए ना। M-N-O-P-E आप खुद सोचिए ना सर जी, जो आदमी बिना पैसे लिए अनपढ़ बच्चों को अपना वक्त निकालकर पढ़ा रहा हो, उसकी नियत में खोट हो सकती है क्या? वो बुरे इंसान होते तो क्यों अपना वक्त निकालकर रात को बच्चों को पढ़ा रहे होते? आप देखिए उन्हें, आपको क्या वो नशे में लग रहे हैं? क्या उनकी बातें सुनकर आपको ये नहीं लग रहा कि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर सेवा कर रहे हैं? सर जी, मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूं, मैंने साहिल सर जी को कोई भी लड्डू के डिब्बे नहीं भेजे। जब मैंने लड्डू के डिब्बे भेजे ही नहीं तो वो वापस लौटाने क्यों आएंगे? और आप इतना तो यकीन मुझ पर करते हैं ना कि मैं आपकी झूठी कसम नहीं खाऊंगी? तो तुम ये कहना चाहती हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? क्या हुआ दालचीनी, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कौन हो सकता है वो? मैं जानती हूं ये किसका काम है, पर शायद आप सुन नहीं पाएंगे। सुन नहीं पाऊंगा मतलब? बताओ मुझे दालचीनी, कौन है वो? मम्मी जी। मैं नहीं जानती कि मम्मी जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि ये उन्हीं का काम है। पास्ता की जगह पर वो सिप्पी वाली मछलियां भी मम्मी जी ने ही रखी थी। दो दिन पहले मम्मी जी ने मुझे सजा दी थी, मेरे हाथ बांधकर मुझे वो बर्फ की सीली पर खड़ा रखा था। बात सिर्फ मुझ तक होती ना तो ठीक था, पर मम्मी जी ने पूरे परिवार के साथ बस दाजी, मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी मॉम पर इल्जाम लगाकर तुमने गलती नहीं गुनाह किया है दालचीनी, गुनाह। मैंने आपके सर की कसम खाई है सर जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। बहुत बोल लिया तुमने दालचीनी, अगर तुमने एक शब्द और कहा ना तो मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी, नफरत। तुमने अब तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है दालचीनी, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम मेरी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें, समझी? मैं आपसे कह रही हूं ना, मम्मी जी जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उन्होंने आप ही को धोखे में नहीं रखा है, बल्कि पूरे परिवार को भी धोखे में रखा है। मेरी बात मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं ऐसे नहीं मानोगी ना तुम, चलो मेरे साथ। सर जी, कहाँ लेकर जा रहे हो आप? निकलो इस घर से। आ
आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। शकल मत दिखाना मुझे अपने। बोलो दालचीनी, कौन है वो जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? तुम ठीक तो? तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? गर्मी हो गई है ना सर जी। एक सेकंड, तुम बैठो, आराम से बैठो। घबराओ मत दालचीनी, तुम बताओ मुझे कौन हो, किस पे तुम्हें शक है? शक तो किसी पे नहीं है सर जी, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये किसी की साजिश जरूर है। आप इन्हें सुनकर बताइए क्या आपको लग रहा है कि ये लड्डू मैंने बनाए हैं? नहीं, लेकिन इसमें शराब की स्मेल आ रही है लड्डू में से। अगर तेज को भनक भी लग गई कि ये मेरा काम है, तो मेरे बेटे का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। नहीं तो कह रही हूं मैं सर जी, ये लड्डू शराब में डूबे हुए हैं। तो आप ही बताइए ना कि मैं ऐसे लड्डू क्यों बनाऊंगी? ये डिब्बा इस घर का जरूर है, पर मैंने लड्डू बनाए नहीं है। तो कौन हो सकता है वो जो तुम्हें पढ़ने से रोकना चाहता है, और वो भी इस घर से?